मुझसे पूछेंगे कहाँ ले जा रहे, तो क्या कहूंगा उन्हें? आतिर अब तुम बच्चे नहीं हो, कह देना किसी दोस्त का, अब झूठ बोल देना। और लेकिन जब उनके घर चले जाना और मायरा सामने आ जाए तो बोल देना मिलिए अपने बहू से। अच्छा, मतलब इतने एज पे ले जाके मैं सब कुछ बताऊं उनको? ऑब्वियसली आतिर, उससे पहले अगर बताओगे तो सॉरी मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्ट करेंगे। अगर वहां सबके सामने कुछ उन्होंने बोल दिया तो क्या करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करेंगी, अम्मी का नेचर बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो सबके सामने दिखावा करती हैं, सबसे अच्छे तरीके से बात करेंगी, घुल मिलकर बात करेंगी, हंसकर बात करेंगी। लेकिन हाँ, जब वो वापस आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं है, ये बता रही हूँ मैं पहले से। I don't know, अरे तुम दोनों बहन भाई यहाँ कब से बैठे हुए हो भाई? मैं ढूंढ रही हूँ जब से अंदर घर में। मेरा फोन चार्ज पे लगा है, मैं आती। आए ना यहाँ बैठे मेरे पास। अरे बेटा मैं बैठने नहीं आई, बस तुम्हें याद दिलाने आई थी। कल तुम्हें मेरे साथ सालगिरह में जाना है, याद रखना। कैसे भूल सकता हूँ आपकी कोई भी बात, याद है। लेकिन उससे पहले आपको एक जगह लेके जाना है मुझे। कहाँ जाना है? अपने दोस्त के घर। बेटा मैं तुम्हारे दोस्त के यहाँ जाके क्या करूंगी? चलेंगे तो बताऊंगा ना, सरप्राइज है, ठीक है? लेकिन मैं अब मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगी आप, बस साथ जाना है आपको, ठीक है? तो मैंने आपको बोल दिया तो बस। फिर दरअसल मैं, अच्छा चले आपको बता देता हूँ, दरअसल बात ये कि मुझे एक लड़की पसंद आई है। I really like her. तो क्या वो इस लायक है कि हमें पसंद आए? मुझे पसंद है बस, ये काफी नहीं आपके लिए? She's a nice girl. देखो बेटा तुम ये बातें नहीं समझते हो, किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है। और अगर दिल ही ना लगे तो इंसान जिंदगी कैसे गुजार सकता है? मुझे जो लड़की पसंद आई है उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तभी तो आपको बता रहा हूं। लेकिन बेटा मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है जो मेरी पसंद है आपको भी पसंद आएगी, ट्रस्ट मी। तुम्हारी खुशी से बढ़के तो कोई चीज ही नहीं है बेटा। तो फिर? लेकिन बेटा तुम्हें उसका हसब नसब मालूम है क्या? आप जानती हैं मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, कभी सोचा भी नहीं मैंने। बेटा लेकिन मुझे तो ये सब कुछ देखना है ना, तुम्हारा जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर होना चाहिए। अगर मेरी इस लड़की से शादी हो गई तो मेरा कल बेहतर नहीं, बेहतरीन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी बेहतरीन लड़की है बेटा तो यकीनन किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक होगा उसका। सच बताऊं मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं मालूम, ना ही कोई इंटरेस्ट है। यानी तुमने तहिया कर लिया है उस लड़की से शादी करने का? आपकी रजामंदी मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं जानता हूं कि मेरी खुशी आपके लिए बहुत अहम है। मेरे बेटे की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं, तभी तो इतनी छानबीन कर रही हूं। उम्र भर का रिश्ता बनाना है, ये दो दिन की पसंदीदगी बेटा जिंदगी भर का रोग बन सकती है। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए तो इतनी फिक्र कर रही हैं आप। लेकिन मैं उस लड़की से मिले बगैर कोई फैसला नहीं करूंगी, ये तुम जानते हो अच्छी तरह।